यूपी के बांदा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष द्वारा जनपद में अवैध गांजे का कारोबार कई दिनों से किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान बूथ अध्यक्ष को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बूथ अध्यक्ष के पास से 15 किलो गांजा और 20,06,000 नकद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी पुलिस के द्वारा आरोपी को गांजा तस्करी में ही गिरफ्तार किया गया था। कोतवाली नगर क्षेत्र में जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा लेकर के बिक्री के उद्देश्य से बनरी गांव के पास में खड़े हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर तत्काल चौकी चार नलखंडे नाका और उनके साथ फोर्स वहां भेजा गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी से उनके पास 15 किलो गांजा और 2,06,000 रुपये वहाँ बरामद हुए और इस संबंध में दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।